यूएसपी सुप्रीमो मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने दूसरी बार में इस्तीफा किया स्वीकार। मायावती ने सरकार पर दलितों के मुद्दे पर बोलने से रोकने का लगाया था आरोप। चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के मुद्दे पर राज्यसभा में बोली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। डोकलाम में भारतीय सेना की मौजूदगी को बताया जायज। चीन से 2012 के समझौते का पालन करने को कहा। देश को मिलेगा आज नया राष्ट्रपति। 50% वोट अब तक एनडीए के उम्मीदवार कोविंद के खाते में। शाम 5 बजे तक आ जाएंगे फाइनल नतीजे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खाई में गिरी बस हादसे में 28 लोगों की मौत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हादसे पर जताया दुख। जम्मू कश्मीर में डोडा के थत्री गांव में फटा बादल। 6 लोगों की हुई मौत। राहत बचाव कार्य जारी। कर्ज माफी की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों ने खुद को चप्पलों से पीटा। बोले तमिलनाडु के विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी से नाखुश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का किया उल्लंघन। पुंछ सेक्टर में स्कूलों पर दागे मोर्टार। जवाबी कार्रवाई में पीओके के मेंढर में कई पाक बंकर तबाह। कई पाकिस्तानी सैनिक भी हुए ढेर। पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम पर कसने लगा सीबीआई का शिकंजा। 21 जुलाई को पूछताछ के लिए किया गया तलब। कार्तिक पर INX मीडिया के लिए विदेशों में पैसा लेने का है आरोप। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान घायल हुई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत। तलवारबाजी की शूटिंग करते वक्त माथे पर लगी तलवार 15 टांके लगाए गए। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली NCR में भारी बारिश से लगा भीषण जाम। जगह जगह जलभराव से सड़कों पर स्लो हुई ट्रैफिक की रफ्तार। वाटर लॉगिंग से डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज विधानसभा की कई सड़कें पानी में जलमग्न हो गई, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बीती रात से हो रही बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं आज की सुबह लोगों का जाम और जलभराव से सामना हुआ। बारिश से दिल्ली और NCR के कई इलाकों में जबरदस्त जलभराव हुआ। मयूर विहार में भी ऐसे ही हालात नजर आए। जलभराव की वजह से धौलाकुआं पर भी भारी जाम देखने को मिला। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। राजधानी दिल्ली के लोग अमूमन अपने रोजगार के लिए NCR का रुख करते हैं। दिल्ली NCR में हुई बारिश के बाद नोएडा में भारी जलभराव देखने को मिला। नोएडा के ममूरा चौक पर जलभराव के कारण लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। नोएडा में जलभराव की असली वजह सीवर में फंसा कचरा भी बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं नोएडा में हुए इस जलभराव ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। नोएडा से दिल्ली की तरफ सेक्टर 12 से 22 में भी सड़क के दोनों तरफ जलभराव देखने को मिला। यहां पर जलभराव की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। नोएडा के लेबर चौक पर भी भारी जलभराव के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश में दिल्ली के साथ ही NCR का भी हाल बेहाल हो गया। लगातार हुई बारिश से सड़कें अंडरपास और पार्क तालाब में तब्दील हो गए। NH24 पर भारी जाम देखने को मिला। गाजियाबाद में तेज बारिश से जलभराव हो गया। सड़कों और कॉलोनियों में कई कई फीट पानी भर गया। इंदिरापुरम में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने 3 दिवसीय हरियाणा दौरे के दौरान पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर में प्रदेश बीजेपी के हाईटेक मुख्यालय का करेंगे शिलान्यास। करीब 1 एकड़ के अलॉट किए गए 65,000 वर्ग फीट पे इसका निर्माण किया जाएगा। नकली करेंसी नोट बनाकर मार्केट में असली नोट के रूप में चलाने वाले 2 आरोपी चढ़े गुरुग्राम पुलिस के हत्थे। आरोपियों के कब्जे से 500-500 के 3 नकली नोट किए गए बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों की चेकिंग शुरू की और दोनों को धर दबोचा।
वदियाबाद के गांव नाडोड़ी का बिजली घर इन दिनों शराबियों का अड्डा बना हुआ है। ताजा मामले में गांव के दो लोगों ने केबल ऑपरेटर के साथ बिजली घर से शराब पीते हुए पकड़े गए। लोगों को जब इस मामले की सूचना मिली तब गांव वालों ने पुलिस को बुलाकर शराब बंद करवाई और यहां हंगामा भी शुरू हो गया। इस बीच दूध की डेयरियों पर फिर से छापेमारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूध के सैंपल लिए हैं और इसे जांच के लिए भेजा गया है। लगातार दूध में मिलावट जैसी खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद ये मामला और गंभीर मानते हुए और जगह से भी सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। इधर सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत के बाद कांवड़ियों ने जबरदस्त हंगामा किया। फतेहाबाद में एक गाड़ी से टक्कर लगने पर तीन कांवड़िए घायल हो गए थे। कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा मुकिमपुर के पास अज्ञात कार चालक ने कांवड़ियों को टक्कर मारी। तीन कांवड़िए इसमें घायल हुए। इलाज के दौरान एक कांवड़िए की हुई मौत। पुला चीका के पास गांव खंबेड़ा का रहने वाला था अमृत लाल। हादसे से गुस्साए कांवड़ियों ने देर रात मेन चौक पर लगाया जाम। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की गलती के चलते भाटिया नगर के दो बच्चों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। दोनों छात्रों के 12वीं कक्षा में विभाग ने गलत अंक दे दिए थे। अंक कम होने की वजह से उच्च सरकारी संस्थान में दाखिला नहीं हो पाया। अब बच्चों ने प्रदेश सरकार से अच्छे कॉलेज में दाखिले की मांग की है।